बाकी के शहर से तो सारे नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, कई अपॉइंटमेंट लैटर भी मिल गए हैं, तो साढ़े इस बटाले शहर ने सानू कुछ नहीं दिता। नगर कौंसल अधीन नगर निगम तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस से सेवा कर रहे सफाई सेवकों वालों अपनी मंगा नु लेके लगातार पंजाब सरकार खिलाफ संघर्ष किया जा रहा है, तो पंजाब सरकार वालों इन सफाई कर्मियों नु रेगुलर करन दा हालांकि फैसला किया गया है, पर उत्थे ही अज सफाई सेवकों वालों बटाला विखे अपना कामकाज बंद करके नगर निगम दफ्तर के बाहर पंजाब सरकार खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन दौरान सफाई सेवकों ने कहा कि वह लंबे समय तो पक्कीकरण की मांग कर रहे हैं, सरकार वालों हालांकि पक्कीकरण का ऐलान भी कर दिया गया है, पर उन्होंने अजे तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिसके मद्देनजर उन्होंने वालों सरकार खिलाफ अज नारेबाजी की जा रही है। मेरा नाम गोल्डी जी, साड़ी मुख मंग है जी, जिस तरह पंजाब सरकार ने जो भी अनाउंस किया वा भी कच्चे बंदे जो पक्के किए जाए, और इस संबंध में अज असी धरना लाया वा, यह धरना साडा तां लगा वा कि बाकी के शहर से तो सारे नोटिफिकेशन जारी हो गए आ, कई अपॉइंटमेंट लैटर भी मिल गए आ, साडा अपना डिस्ट्रिक्ट जिला गुरदासपुर जिथे कि कल उन्होंने मानयोग एम एल ए साहब पड़ा जी ने अपॉइंटमेंट लैटर देते आ, उन्होंने वड्डे दिन की बधाई देती आ, तो साढ़े इस बटाले शहर ने सानू कुछ नहीं दिता। सानू तो यो लगता है जी इतने चोर बजारी हो रही है, कोई इतने ध्यान नहीं कर रहा, प्रशासन सुनता नहीं पाया, जिन्होंने 20-20 साल हो गए बंदे नू काम करते, वो बंदे नाल धक्केशाही हो रही है, कुछ बंदे आ वो कैटागरी चो बाहर कढ़े जा रहे हैं, कई रखे जा रहा, कई नहीं रखे जा रहा, कोई जनरल कैटागरी बना दी है, कोई दूजी कैटागरी बना दी है, जेहड़े साडे अपने मौजूदा 206 बंदे या 250 बंदा वा वो रेगूलर क्यों नहीं किया जा रहा। सर पंजाब सरकार तो कहती है भी आप सर, बाकी दे शहर च नोटिफिकेशन जारी करता, सिर्फ बटाला ही एक इदा शहर है जिथे कोई भी सुनवाई नहीं होंगी पी, कारण बस तुहानू पता ही है जी, पोलिटिकल गल्लां चलदियां पईआं वा, कोई अपनी मना रहा कोई अपनी मना रहा वा, जिहड़ा खामियाजा जिहड़ा खामियाजा कि नहीं मुलाजमां नूं भुगतना पै रहा वा, मुलाजम जिहड़े कि नहीं वो दर बदर भटकते फिरते पे आ, एक दूजे नाल विचारे खुंदे पे आ, कोई कह रहा वे साडी सुनवाई करदा पिया, कोई कहिंदा नहीं करदा पिया, बस यो गल करके काम हों पाया जी। नीलम साड़ी मंग यो है कि इन्ने चिर तो काम करते पे सानू भी पक्या किया जाए, गुरदासपुर देखो करते हर एक जिले से कर दते, असी काम लॉकडाउन च भी किया वा, हर एक दिन 10-12 साल हो गए सानू काम करद, तो देखो हूँ सानू नहीं लोड़ हैगी जी इस गल की। असं ये चाहते हैं कि सही पक्के हो जाए, हाँ जी ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਤੀ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗਵਾਈਆਂ, ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਸਭ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਮੈਂ ਜਮੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਟੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਭਾ ਬਟਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਿੱਲਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਆ।
दस दी कि प्रदर्शनकारियों ने इस मौके दावा किया कि कई शहरों सफाई सेवकों नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए हैं, पर नगर निगम बटाला प्रशासन उन्हों की कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 200 के करीब कर्मचारी ने जिन्हों चो किसी एक नु भी सरकार वालों रेगूलर नहीं किया गया, जिस तों बाद उन्होंने अज कांग्रेस सरकार खिलाफ जम के प्रदर्शन किया अते सरकार नूं चेतावनी दिती कि जेकर उन्हां दीआं मंगां वल जल्द ही ध्यान ना दिता गया तां उन्हां वल्लों तिखा संघर्ष लिखिया जाएगा। गुरदासपुर तों रोहित गुप्ता, पंजाबी लोक चैनल।